देख लीजिए, देख लीजिए ढोगियों को, ये ढोगी है, ये सब ढोगी है, इनके मुंह से भाजपा निकल गया, ये हिंदू है, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, भाजपा का है, भाजपा का है, देख लीजिए, देख लीजिए, ये जो भी काम करेंगे उसका ही करेंगे, दूसरा कर रहा है तो गलत हो जा रहा है, जातिवादी इसीलिए परेशान है, इनके यहाँ जो चला जाए वो कितना गलत हो सही हो जा रहा है, और दूसरी पार्टी में आ रहा है तो गलत हो रहा है, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है और जनता इस चीज को समझ चुकी है। और रही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात, तो प्रपोजल देखिए किस सरकार का है, सपा सरकार का है, यमुना एक्सप्रेस वे देखिए यूपी में धरातल पर किसने लाया, सपा ने लाया, मेट्रो देखिए किसने लाया, सपा ने लाया। आप जिस जनपद में बैठे हैं उस जनपद में विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय किसने लाया, सपा ने लाया। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। मैं राजा रोदनी, मैच बॉक्स के खास मुहिम के बैठी कुर्सी पर। हमारे साथ देखो भैया बनी, भैया के बैठी कुर्सी पर बेरी, सपा बैठी कुर्सी पर बेरी का का है, 5% जनता नकार दे रहा है, नकार दे रहा है तो परिवर्तन चाहत रहे, अपेक्षा रहे, वो अपेक्षा पूरा ना भइल तो फिर जनता बदली सरकार के, फिर अखिलेश के मुख्यमंत्री बनाई। क्या भी आपकी बैठे का सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। आप लोग 10 मार्च को आइएगा और हमारे यहाँ पूरे विधानसभा से लेकर पूरे जिला की सातों विधानसभा की सीट निकल रही है, आके मिठाई खाइएगा, योगी बाबा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जातिवादियों की सरकार रह रही है। आपके ऊपर एक सपा वालों के ऊपर एक थोड़ा सा बात लग रहा है कि सपा वाले परिवार नहीं संभाल पाते हैं तो राज्य क्या संभाल पाएंगे। ऐसा है कि जो आरोप लग रहा है कि सपा परिवार को नहीं संभाल पा रही, अब तो परिवार में परिवारवाद का ठप्पा हट गया हमारे पार्टी से, परिवारवाद तो रही नहीं गया है, असली समाजवाद ये। हमारा मुख्य मुद्दा है कि भाजपा सरकार ने एक भी कोई नीति बता दे जिसको आज तक पूरा कर दियो 5 साल में। गंगा जी की सफाई आज भी नाले उसी तरह बह रहे हैं, आप गड्ढे मुक्त सड़कों की हाल आप चल रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, ठीक, शिक्षा को देख ही रहे हैं। कोविड काल में जो सरकार आम जनता को बसें तक नहीं उपलब्ध करा पाई, आज लाखों लाखें बसें लेकर के प्रचार कर रही है, रथे चला रही है, उस समय रथे कहाँ थी सर। एक तरफ युवाओं को नौकरी को लेकर के देख लीजिए, जितनी परीक्षाएं हुई सब लीक हो गई, कितने युवाओं को नुकसान हुआ, आत्मबल गिरा, उन लोगों का मनोबल गिरा, वो एक युवा ही समझ सकता है, प्रतियोगी परीक्षार्थी ही समझ सकता है। लेकिन भाजपा वालों का कहना है कि आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिला, आपको एम्स मिला, आपको राम मंदिर मिला, आपको काशी कॉरिडोर मिला। अगर 99 रुपया किसी को मिल जाए, नहीं सुनिए, राशन फ्री मिल रहा है, नमक फ्री मिल रहा है, तेल फ्री मिल रहा है। अच्छा, एक आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ कि हम टैक्स किस लिए देते हैं भाई, हम सुविधा के लिए टैक्स देते हैं, वो तो आम आदमी का पैसा है, आम आदमी को मिल रहा है। और रही बात एक्सप्रेसवे की, तो इसके पहले भी एक्सप्रेसवे बने थे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है सुविधाओं की जरूरत है, सरकार उपलब्ध करा रही है। और रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात, तो प्रपोजल देखिए किस सरकार का है, सपा सरकार का है, यमुना एक्सप्रेस वे देखिए यूपी में धरातल पर किसने लाया, सपा ने लाया, मेट्रो देखिए किसने लाया, सपा ने लाया। आप जिस जनपद में बैठे हैं उस जनपद में विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय किसने लाया, सपा ने लाया। जो पहले से चली आ रही चीजें हैं उसको ये लोग नहीं सही से चला रहे हैं, तो इन पर क्या जनता विश्वास करेंगे। ये कुछ नहीं कहेंगे, ये क्या समाजवादी लोग कुछ कह ही नहीं पाएंगे, ये केवल अभी रोजगार की बात कर रहे थे, हम 2,35,000 रोजगार लगा मिला समाजवादी पार्टी के सरकार में, और 2,01,000 एक जाति के लोगों को मिला, ये कहाँ से समाजवाद है। यहाँ पे जिला के युवा के कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा भैया इस पे। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम क्षमता रखते हैं कि हो सके कि भविष्य में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मिल सकता है। क्या ये सपा के हैं, क्षमता दे सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व कभी इनको मिलेगा भाई, बस इनके इसी इनके सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्यों लोग परिवार को हटा के कभी किसी यादव को छोड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए तो बताते, वही हमको जवाब देते।
भैया जातिवाद के, हम लोग संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, हमको पद की लालच नहीं है, हम लोग संघर्षशील हैं, समाजवाद नहीं, ये गलत आरोप है। समाज मुख्यमंत्री परिवार का, मुख्यमंत्री जाति का, जिला अध्यक्ष जाति का, अभी अगर सरकार तो मंदी नहीं है, सपा खत्म, सपा ही खत्म हो गई है, सपा की सरकार बनेगी भाजपा। अभी तक तो उत्तर प्रदेश का 37 साल का इतिहास रहा है कि कोई पार्टी नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाती है भाई साहब, जहाँ भी हम लोग है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जहाँ भी है, जहाँ जाते हैं वहाँ जाते नहीं है, हम ही लोग इतिहास बनाए हैं लगातार। मोदी जी का बनाया हुआ इतिहास है, बंगाल देश के, देश के टोटल विरोधी एक साथ हो गए थे। इनको दिखाई नहीं दे रहा है हकीकत और जनता के मूड को, ये लोग भाप नहीं पा रहे हैं। अब तक जनता को बरगलाए हैं, बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी के, समाजवादियों के साथ है, कौन समाजवादियों के साथ है? जनता है, कोई नहीं है, जनता है, कोई नहीं है। इन सब पूछना चाहते हैं कि अपने जिले के 7 विधानसभा में कोई एक सीट बता दे जो कन्फर्म है चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है, जिस पे ये अड्डी है, बता दें। ओम प्रकाश राजभर जी को कह दीजिए ना कि रसड़ा लड़ जाए, समाजवादी के साथ गठबंधन करके लड़ जाए, वो क्या बात करेगा। हमारे राजभर भाइयों को चुतिया बना रहा है। हम लोग जहूराबाद और किसी एक विधानसभा को व्यक्तिगत लक्ष्य करके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग सरकार बनाने के लिए, हम लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और सरकार हमारी बन को हराएंगे, अखिलेश को हराएंगे इस बार करहल में। कमल का स्वामी प्रसाद मौर्या, स्वामी प्रसाद मौर्या की क्या बात है? अरे नहीं नहीं, ये भरम में जी रहे हैं कि ये जिनको अपना आदर्श पुरुष मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी चुनाव हार चुके थे, हारे हैं, तो ये तो लोकतंत्र है, जनता जिसको पसंद करेगी वो हारेंगे, मान के चलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कितना कारगर साबित होंगे आपके लिए? बहुत कारगर होंगे, उनको सताया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया, वो अभी अपनी उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है, उनको बेटे को टिकट नहीं मिला है, क्या होगा? ये तो अच्छी बात है ना, नहीं मिला तो देखिए, आप आरोप लगा रहे थे कि वो टिकट के लिए आ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमने बेटे को टिकट दिया, बेटे के लिए टिकट भी नहीं मांग रहे, आपका आरोप तो यही गलत हो गया। तो आप आरोप लगाना चाहते हैं, 5 साल नहीं रहती है, मात्र 6 महीने के लिए खराब नहीं है, जब चुनाव आता है। पाँच साल स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं चला गया भाई? 5 साल मलाई काटा, दलित वंचित शोषित होने लगा, वो क्या बात करेगा? बसपा से खेदाया, भाजपा से खेदाया, हर पार्टी से खेदाया, और जो एक बार दल बदल देगा उसका कोई ना जाती है ना। एक मिनट, दलित शोषित की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ का आंदोलन देते हैं, और आज एक मंत्री खुद एक उसी पार्टी के उपाध्यक्ष से शोषित होकर के आज मीडिया के सामने रो रही है। समाजवादियों का ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा कर समाजवाद देख रही है, पूरा देश इस चीज को देख रहा है, कौन बेटी के साथ खड़ा है, कौन बेटी के विरोध में खड़ा है। मुल्ला मुलायम कहता था कि बच्चे है, गलतियां हो जाती है, आओ हमारे घर, बच्चे हो, गलतियां हो जाती है, आप आइए, बेटी को छेड़िए। आपका गोरखपुर में कहाँ होता है, क्या होता है? देखिए ऐसा नहीं है, हमारे सफाई में क्या नाचती थी, और वहाँ सफाई की तुलना में गोरखपुर महोत्सव में बहुत का अंतर है। गोरखपुर एक मतलब जहाँ साधु संत रहते हैं, जहाँ अच्छे व्यक्ति रहते हैं, और सफाई जैसे कार्यक्रम कराया जाता है, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है और प्रदेश के कोई चिंता नहीं, और सफाई नाच में मग्न है हमारे नेता। ये जातिवादी इसीलिए जो भी काम करेंगे वही करेंगे, दूसरा कर रहा है तो गलत हो जा रहा है। जातिवादी इसीलिए परेशान है, इनके यहाँ जो चला जाए वो कितना गलत हो सही हो जा रहा है, और दूसरी पार्टी में आ रहा है तो गलत हो रहा है, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है, और जनता इस चीज को समझ चुकी है। आपके कहने का मतलब बीजेपी वाशिंग मशीन है? वाशिंग मशीन अपने को समझ रही है नहीं, समझ रही है, वाशिंग मशीन भी नहीं है, वाशिंग मशीन भाजपा में चल जाए। नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं, समाजवादी के ये विचारधारा हमारा की आवाज है, हम साफ कर दें। अरे जब समाजवादी पार्टी अपने घर की बहू को नहीं बचा पाए, उन्होंने उनकी नीतियों से जब देखा कि हमारे अखिलेश जी और मुलायम जी की नीति गलत चल रही है, तो उन्होंने भाजपा में आ गई, जहां एक शुद्ध विचारधारा से राजनीति की जा रही है, और उनमें आके उन्होंने पार्टी के प्रति और जनता के बीच अच्छे कार्य करने के लिए जिसने शामिल हो गए, अब उससे अधिक हम सबका के लिए क्या कह सकते हैं। इतनी अच्छी विचारधारा है, वो आपके माननीय मंत्री के ऊपर, मंत्री जो अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है वो दिख रहा है,
एक बेटी के लिए हम लोग भी उनके साथ खड़े थे इसी रसना में, और आज खुद वो बेटी अपने पति के साथ जो खड़ी थी, आज वो पति उस बेटी के साथ नहीं खड़ी है। तो आप खुद सोच लीजिए, पूरी जनता देखे आपके माध्यम से, दुनिया देख रही, दुनिया देख रही है कुर्सी पर भाई सपा। देख लीजिए ढोगियों को, ये ढोगी है, ये तो ढोगी है, इनके मुंह से भाजपा निकल गया, ये हिंदू है। हाँ देख लीजिए भाजपा का है, भाजपा का है, देख लीजिए हर हिंदू के दिल में भाजपा है। ठीक है पंडित जी लोग हम लोग के साथ है, समाजवादियों के साथ, बस एक जातिया है। बारे धन्यवाद पंडित जी। बदगुजन है भाजपा और सपा के कार्यकर्ता में जबरदस्त बदगुजन, आम जनता है, आम जनता। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। बड़ा महंगाई बा? महंगाई कहाँ है, महंगाई जो है कि बढ़ रहा है तो ये और चीज तो बढ़ रहा है, महंगाई ज्यादा नहीं है, महंगाई ठीक है, सीमित है। युवा साथी बारन, युवा भैया बारन, ए भैया बड़ा देर से पीछे से सुन के हसत नहीं है, के बैठी कुर्सी पर? हमारा नहीं होगा, के बैठी कुर्सी पर? नहीं अभी तो योगी जी बैठेंगे। युवा तो नाराज दिख रहे हैं प्रदेश में। नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, लोग दिखावा है, जो दिखावा कर रहे हैं लोग। योगी जी बहुत अच्छा काम किए, गुंडा देश प्रदेश से हमारे खत्म हो गए, गुंडाई एकदम नहीं हो रही आजकल, बेटी बहनें सब सुरक्षित हैं, और भगवान चाहेंगे तो योगी जी फिर आएंगे और हमारी प्रदेश फिर उसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। चलिए सुन तो नहीं हो रसुरा से, कैसा लगा लगे कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक मैच बॉक्स के सब्सक्राइब नहीं कर ली, अगर फेसबुक पेज बताएं तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, आ वीडियो के फैला दी।